हेलो फ्रेंड्स, अब मेरी तबीयत काफ़ी कुछ ठीक है और आप लोगों के मेरे ठीक होने के लिए जो आप लोगों ने दुआएं की उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोस्त मेरे इतने करीब होंगे, मुझे इतना चाहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था, और उसके लिए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं ठीक हूँ और अब कोशिश करूँगी कि बिना किसी गैप के मैं आप लोगों को वीडियो बता सकूं। तो ये एम्ब्रॉयडरी मैंने आप लोगों को उस दिन सिखाई थी कि इसको मैंने कैसे किया है, और ये देखिए ये इस तरह से पीछे से इसकी लुकिंग आई है, एकदम साफ़ सुथरी है और काफ़ी मजबूती के साथ मैंने इसको लगाया है। और इसका आज हम बनाएंगे कमर वाला मोबाइल पाउच। तो अब एम्ब्रॉयडरी हो गई है तो इसके साथ आगे काम हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि मैंने 6x14 इंच का पीस लिया है। एम्ब्रॉयडरी पूरे कपड़े में रखी की थी, कटिंग बाद में की, 6x14 इंच का वन पीस ले लिया, देख रहे हैं आप मैंने मेजरमेंट किया हुआ है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक गोल्डन पीस लिया है इस तरह से, ये 6x7 का पीस है। दो पीस मैंने रेड कलर के लिए हैं 6x7 के, इतना सामान ये लिया है। 4 इंच का जो ये हमारे पास गोल्डन कपड़ा है उसी का मैंने ये लूप लिया है, 4 इंच का है। एक की रिंग ली है 6 इंच की, जिप ली है और एक रनर लिया है। और इसके साथ यहाँ पर हमने रेड कलर की इस तरह से डोरी ली है, ये मार्केट में मिल जाती है, ये ब्लाउज वगैरह में या सूटों में लगती है, डोरियाँ बनती हैं वाली डोरी है सिंपल। तो अब इतने सामान के साथ हम पाउच बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डोरी है सबसे पहले तो हमें इसे लगाना होगा। इसको हम क्या करेंगे कि इसके किनारे इस तरह से पूरा इसको हमें हाथ से लगाना है, ये काम भी हम हाथ से ही करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर का थ्रेड लिया है और थोड़ी बड़ी निडल ली है जिससे सिलने में आसानी हो। इसको कट करेंगे और नीचे से लगाना शुरू करेंगे इसको इस तरह से। तो पहले इसको हाथ का काम ख़त्म करेंगे इसका, इस पर हम मशीन नहीं चलाएंगे। इसको यहाँ पर 2-3 बार सिल के इसको पैक करेंगे, अच्छी तरीके से टक कर देंगे। बहुत ही महीन महीन टाँकों के साथ इसको हमें लगाना है और एकदम इसके किनारे इस आउटलाइन इसकी हमें तैयार करनी है। और इस तरह से ये हमने डोरी लगा दी है। और अब अगला काम हमारा, ये जो हमारे पास गोल्डन पीस है इसको लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे और इस डोरी के किनारे से लेते हुए इसको पूरा यहाँ पर सिलाई कर देंगे। बहुत ध्यान से सिलना है, डोरी के एकदम किनारे सिलना है। ये देखिए इसको हमने कुछ इस तरह से सिल दिया, कुछ इस तरह से लुकिंग आएगी और ये जो ग्रीन कपड़ा है हमारा जो जिस पे हमने एम्ब्रॉयडरी की है वो छुप जाएगा। अब इसको हम यहाँ से पूरा पैक कर देंगे। इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर थोड़ी फिनिशिंग दे देते हैं। अब ये जो हमारे पास लूप है इसको लेंगे, अब ये जो हमारे पास लूप है इसको हम यहाँ लगाएंगे तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये सेंटर आ गया, सेंटर पर इस लूप को रखेंगे और लूप का खुला हिस्सा इधर रखेंगे और बंद हिस्सा इधर रखेंगे
और बिल्कुल हाफ इंच के लगभग इसको हम बाहर रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल हाफ इंच। बाकी जितना भी पीस है वो हमारा इस साइड आएगा और इस पर हम डबल मशीन चलाएंगे। बिल्कुल सेंटर पे रखना है, नहीं तो पाउच का बैलेंस सही नहीं आएगा। अब हमारे पास जिप है, जिप को यहाँ लगाएंगे। मजबूती के लिए एक एक चीज़ सिलेंगे, एक साथ सारी चीज़ों को नहीं सिलेंगे। इसको सिलने के बाद एक रेड पीस लेंगे जो हमने पहले बताए थे 6x7 के, अब इसी जिप के ऊपर इसको लगा देंगे। अब इस साइड भी इस जिप को लाएंगे, यहाँ रखेंगे और इसको सिल देंगे। इस पीस को रखेंगे और सिल देंगे। इसको सिलने के बाद इसको बहुत आराम से सीधा करेंगे, जिप को हमें खोलना नहीं है किसी भी हालत में। इस तरह से करने के बाद अब इसमें हम पहले रनर डाल देंगे, दोनों लाइनिंग को हटाते हुए रनर डालेंगे। वापस इसको उल्टा करेंगे, ये हमने उल्टा कर दिया। अब दोनों लाइनिंग को साइड में ले आएंगे, ये हमारी दोनों लाइनिंग है और ये पीस यहाँ आ गया। यहाँ पर ये बीच में सिलाई हमें दिखाई दे रही जिसमें हमने गोल्डन कपड़ा लिया था, वो सेंटर हमारा हो गया, यहाँ जिप हो गई और इसका ये एक किनारा ये हो गया। अब हमें ये जो हमने हाथ की सिलाई की थी इसके किनारे किनारे मशीन चलाते हुए इधर से पूरा सीधा लाना है, जिस जो हमने डोरी जोड़ी थी उसके किनारे किनारे हमें यहाँ पर मशीन चलानी है। यहाँ पर डबल मशीन चलेगी, यहाँ पर डबल मशीन चलेगी, यहाँ पर भी डबल मशीन चलेगी। बाकी अभी जो बॉटम इसका रेड कपड़े का जो लाइनिंग का जो बॉर्डर है बॉटम है उसको अभी नहीं सिलेंगे। पहले सीधा करके हम चेक करेंगे। और ये भी हमको इस तरह से देखने को मिल रहा है और पीछे से भी सही आ रहा है। अब इसका हम वापस इसको हम उल्टा करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग देंगे। और इसको अब हम फाइनली सीधा करेंगे, इसको हमने इस तरह से सीधा कर दिया और अब जो इसका बॉटम है इसको हम बंद कर देंगे। इसको अंदर करेंगे, इसको हमने अंदर कर दिया, ये हमारा पाउच इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है ये हमारे पास कीरिंग है, इसको डाल देंगे। तो जो की रिंग है उसको हम इस तरह से डालेंगे, जो इसका हुक वाला हिस्सा है वो हमारा नीचे साइड पे रहेगा क्योंकि इसको हम कमर में खोसेंगे और ये हमारा इस तरह से फ्रंट में आएगा। तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। और ये हमारा मोबाइल पाउच कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमने ये मोबाइल पाउच कंप्लीट कर लिया। इसको आप पार्टी वगैरह में भी ले जा सकती हैं। पीछे हमने गोल्डन का लुक दिया है, गोल्डन सिल्वर ब्लैक कलरफुल, पूरा एकदम इसको हमने कलरफुल बनाया है। किसी भी कपड़े में किसी भी तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है और सिंगल पाउच बनाया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉकेट वगैरह लगा देंगे तो शायद जो इसकी अपनी कढ़ाई है वो उतनी अच्छी फिर ना रह जाए। और ये सिंगल पाउच हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।